धूम 3 देखी है? वो सीन देखा जब आमिर खान बाइक से छलांग मारता है, बाइक पानी में गिर जाती है, फिर वो बाइक स्पीड बोट बन के निकल आती है और दरिया के चक्कर लगाती है, पुलिस वाले पीछे भागते है। वो यहाँ शूट हुई थी, जरूरी बात है भाई, बताना पड़ता है। हाँ भाई, क्या हाल है? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। देख रहे हो, आस्किंग से एस्किंग, एक्सेंट आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यार मुझे नींद के मसले शुरू हो गए हैं, सुबह के 4 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। जैसे परसों रात में रात 10 बजे सो गई, नींद आ गई थी, लेकिन सुबह के 2 बजे दोबारा आंख खुल गई। व्हाट इज दिस यार? बस आ गई है। हाँ भाई, अभी एग्जाम देने जा रहा हूँ, आखिरी एग्जाम होता सेमेस्टर मैथ का, उसके बाद फारिग ही फारिग, जो बोलूंगा करूंगा मैं। खत्म, फारिग, गुड सीन। घर निकल रहा हूँ, मैं एले जा रहा हूँ, तो पैकिंग शैकिंग करनी है और बहुत काम निपटाने, तो साथ चलोगे मेरे? चलोगे? चलो। अभी टेम्परेचर चल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर टेम्परेचर गया ही नहीं है सर्दी में, मतलब -10 से ऊपर आता ही नहीं टेम्परेचर। अभी गुजारा है इसने मेरा स्वेटर बना हुआ है, वरना जैकेट पे जैकेट पे जैकेट, अंदर थर्मल, नीचे लोअर थर्मल, सब पहनना पड़ता है। This place over here is my chill spot. मतलब ट्रेन पकड़ के आता हूँ तो यहाँ बैठना लाजमी है, और ट्रेन पकड़ने से पहले भी यहाँ बैठना लाजमी है, क्योंकि यार पानी, बिल्डिंग्स, लोग, वाइब्स अच्छी आती हैं यार। घर पे मिलते हैं। तो बात तो ये हुई थी कि आपका भाई घर जाके बात करेगा आपसे, लेकिन घर जाके आपका भाई सब कुछ भूल भाल के टन होके सो गया, बट नींद का मसला हल हो गया, सो दैट्स समथिंग। अभी मैं जा रहा हूँ, पीछे मेरे घर की है एक जगह पटेल ब्रदर्स, ग्रोसरी स्टोर है इंडियन, पूरा का पूरा देसी सामान मिलता है वहाँ, और बहुत चीज़ें मिलती हैं, आके दिखाता हूँ आपको मैं। देख सकते हो आप, पूरी देसी वाइब्स थी। मुझे जब भी घर की याद आती है ना, मैं इधर आ जाता हूँ। और पीछे और भी चीज़ें, जैसे ये हलाल बर्गर शॉप है, ये शीशा लाउंज है, अस्तगफिरुल्लाह, ग्रोसरी शॉप है, ये पीछे बिरयानी की दुकान भी है, बैंक्वेट हॉल तक है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जगह पूरी लोडेड है देसी लोगों से, देसी दुकानों से, और देसी आदतों से भी। आदत से मेरा मतलब कि हरकतें वही होंगी जो पाकिस्तानी इंडिया में लोग करते आए हैं, कि ट्रॉली होती है US में, आप ग्रोसरी स्टोर जाएँ तो ट्रॉली आप जगह पे रखते हैं, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जगह होती है। यहाँ पे जगह पे नहीं होंगी, इधर उधर बिखरी भी पड़ी होंगी, गाड़ी भी बीच सड़क पे खड़ी होगी, मतलब देसी आदतें पूरी। अभी ये जो पूरा पटेल ब्रदर्स का एक्सपीरियंस जो दिखाया था, जो लोग पाकिस्तान में घर पे बैठे हुए वो रिलेट नहीं कर सकते जितना अब्रॉड जो लोग रह रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या काम के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बाहर मुल्क में अपनी घर की कोई ताल्लुक की चीज़ देखना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
जैसे ये पाकोला है, पूरी $1 की, 150 रुपये की पाकोला, इसलिए छोटे छोटे सिप्स लेके पियेंगे हम। ये व्यू देख के आप लोग काफ़ी बोर हो गए होंगे, लेकिन कुछ दिन की बात है, गुजारा कर लो हमसे। एले जाएंगे फिर, अब आपको एले दिखा देंगे। हम भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको एले देखना तो एले ही दिखाएंगे आपको। अभी पैकिंग करूँगा, काम शाम निपटाऊँगा, व्लॉग एडिट करूँगा और फिर सोऊँगा, टाइम पे सोऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन सही करूँ अपनी। सो आई एम गोइंग, ख़त्म करेंगे व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। चुप हो जा भाई।